वेलकम फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में इंडियन फिल्म दी गोट लाइफ मूवी को बैन कर दिया गया है। जी हाँ गाइज, वही मूवी जिसे रिलीज होने के बाद इंडिया में चारों तरफ से वाह वाही बटोरी थी, और इस मूवी को जिसने भी देखा उन सभी की आंखें थिएटर से निकलने के बाद नम हो गई थी। अब इसी फिल्म के विरोध में टिकटॉक पर दी गोट लाइफ मूवी ट्रेंड कर रही है। इंडिया में टिकटॉक बैन है, इसलिए ये खबर फिलहाल इंडिया में इतनी वायरल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, खबर को फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और ये खबर धीरे धीरे ही सही लेकिन इंडिया में तेज़ी से फैल रही है। टिकटॉक पर ऐसी वीडियो बनाई जा रही है जिसमें सऊदी के लोग झंडा पकड़े हुए ऊँट की सवारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे डॉगीज के साथ अलग अलग देश के फ्लैग लगा दिए गए हैं, जिसमें इंडिया, चीन, अमेरिका भी शामिल है, और वो उन ऊँटों पर भौंक रहे हैं। लेकिन इन बुड़बकों को कौन समझाए कि सऊदी अरेबिया में गल्फ कंट्री के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये मूवी भी वही दिखाना चाहती है जिसमें ये पूरी तरह से कामयाब हुई है। सऊदी अरेबिया में किसी दूसरे के वीजा पर आए हुए लोगों को वहाँ पर रेगिस्तान में भेड़ बकरी चराने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ ना तो उन्हें भरपेट खाना दिया जाता है और ना ही नहाने के लिए पानी। नजीब, जिसके ऊपर दी गोट लाइफ मूवी फिल्माई गई है, उसकी ऐसी हालत लगभग 3.5 साल तक रही थी। 3 घंटे की फिल्म देखकर ही हमारी रूह कांप गई, तो सोचो, नजीब ने तो 3.5 साल तक मौत से बदतर जिंदगी जी थी, और ना जाने आज भी कितने ही लोग होंगे जो इस उम्मीद में जी रहे होंगे कि एक दिन वो अपने परिवार से मिलेंगे। बस यही कारण है कि दी गोट लाइफ मूवी को सऊदी अरेबिया में बैन किया गया, क्योंकि इस मूवी से उनकी इंटरनेशनल इमेज पर काफ़ी असर पड़ रहा है, जिसके चलते वहाँ की सरकार ने इस मूवी को बैन कर दिया है। और साथ ही में वहाँ के लोग इंडिया और गल्फ कंट्रीज को नीचा दिखाने के लिए टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हैं, जिन वीडियो का ना तो सर है और ना ही कोई पैर। सऊदी अरेबिया में दी गोट लाइफ मूवी को बैन करने पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।